होगी कि अगर हम अपने शरीर को चौड़ा करना चाहते हैं, मतलब अगर हम अपनी बॉडी को ब्रॉड करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है पुलअप, क्योंकि पुलअप करने से बॉडी ब्रॉड होती है, शरीर चौड़ा दिखता है। अगर आप लोग पुलअप नहीं कर पाते हैं, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलअप नहीं कर पाते हैं, शुरुआत अभी है वर्कआउट करने की, तो उनको पुलअप करने में दिक्कत होती है। आज मैं आपको ये भी पुलअप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देता हूँ जो लोग पुलअप नहीं कर पाते हैं। सारे लोग ऐसे हैं जो 2-3 पुलअप कर लेते हैं, ज्यादा पुलअप नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा जो लोग पुलअप नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं बहुत एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जिसे बोलते हैं नेगेटिव पुलअप। इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों को अपने शरीर को ऊपर नहीं खींचना होता है बार पे, आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को एकदम से ऊपर जाना होता है और उसके बाद में धीरे 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 रुक रुक के नीचे आना पड़ता है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसी में अगर आप लोग अपने पैरों को मोड़ भी सकते हो, घुटनों को मोड़ के इस तरीके से अगर आप लोग धीरे धीरे नीचे आते हो, तो आपकी जो मसल्स होती है पुलअप करने वाली वो स्ट्रांग होती जाती है समय के साथ में, जिससे आप समय के साथ में ज्यादा से ज्यादा पुलअप कर पाते हैं। उसी के साथ में आप लोग अपने पुलअप को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप लोग कर सकते हैं इन्वर्टेड रो करोगे, तो आपकी जो पुलअप वाली मसल्स होती हैं वो सारी मसल्स स्ट्रांग होंगी, जो आपको धीरे धीरे पुलअप करने में मदद करेंगी। अब देखो पुलअप करके आप लोग अलग अलग मसल्स को टारगेट कर सकते हो। अगर हम लोग नॉर्मल पुलअप करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से किया जाता है, तो हमारी बैक मसल्स अच्छे से ट्रेन होती है। इसी में हम लोग दूसरा पुलअप करते हैं, जिसमें हम चिन अप करते हैं, अपने हाथों को अंदर के साइड करके और इस तरीके से हम चिन अप को लगाते हैं। इसी में जो थर्ड वेरिएशन होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल ग्रिप पुलअप, इसमें क्या करते हैं, जब इस तरीके से हम न्यूट्रल ग्रिप लेके पुलअप को करते हैं, तो इससे हमारे बाइसेप मसल्स, मतलब हमारे हाथ मजबूत होते हैं, साथ में हमारी बैक मसल्स भी मजबूत होती है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि जो लोग पुलअप नहीं कर पाते वो लोग कैसे करें, लेकिन जो लोग पुलअप कर लेते हैं, 5-10 पुलअप कर लेते हैं, वो लोग अपने पुलअप को कैसे बढ़ाएं, उसके साथ में मसल्स को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाएं, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपने पुलअप की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉज पुलअप भी बोलते हैं। तो जब हम इस तरीके से अपने शरीर को रोक रोक के ऊपर जाते हैं और रोक रोक को नीचे आते हैं, तो इससे हमारी मसल्स पे ज्यादा टेंशन पड़ता है, ज्यादा चौड़ा बनने लगता है। इस पुलअप को भी धीरे धीरे आप लोग समय के साथ में बढ़ाते जाना, तो काफी चौड़ा आप लोग का बैक मसल्स हो जाएगा और आप लोग की बॉडी बनने लगेगी, शरीर चौड़ा लगेगा। नेक्स्ट अपने पुलअप की बात करेंगे। जो पुलअप करता क्या है, हमारे फोरआर्म मसल्स को, हमारी कलाइयों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा पुलअप है। इसे हम लोग बोलते हैं टॉवेल पुलअप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी करोगे तो आप लोग का हाथ, आप लोग की कलाइयां मजबूत होंगी, फोरआर्म मजबूत होंगे, जिससे आप लोग की ग्रिप मजबूत होगी। तो ओवरऑल आपका हाथ मजबूत करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पुलअप माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने बात करते हैं वेटेड पुलअप की। जो लोग पहले ही बता चुका हूँ 5-10 पुलअप कर लेते हैं, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है, सभी लोग इसको मत करना। तो अगर आप लोग 5-10 पुलअप कर लेते हो, तो वेटेड पुलअप आप लोग को लगाना है। कोई भी बैग लेके उसमें कोई वजन भर के और पुलअप लगा सकते हो, अपनी बॉडी में किसी भी तरह का वजन बांध के लगा सकते हो किसी भी तरह से। जब भी आप लोग वेटेड पुलअप करते हो, अपने शरीर के वजन से ज्यादा वजन अपने शरीर पर रखते हो, मतलब आप लोग का जो शरीर का वजन है पुलअप में वो तो उठता ही है, लेकिन अलग से अगर बैग ले लोगे उसमें भी कुछ भर लोगे, तो आपके शरीर से ज्यादा वजन हो जाएगा। तो ये जो पुलअप आप लोग करोगे, तो ये पुलअप आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट पुलअप माना जाता है, क्योंकि आप अपने शरीर से ज्यादा का वजन उठा रहे हो, जिससे आप लोग की मसल्स ग्रोथ सबसे तेजी से होती है। तो जिसे भी अपने शरीर को चौड़ा करना है, अपनी बैक मसल्स को ट्रेन करना है, वो ये वाला पुलअप, वेटेड पुलअप जरूर करना, आपकी बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा पुलअप माना जाता है। इन सभी पुलअप को करने से शरीर चौड़ा बनता है। सभी पुलअप में धीरे धीरे आप लोग जो टाइम है, तो कम से कम 1 दिन का ब्रेक लेना, तभी वो मसल सही से रिपेयर हो पाएगी। और साथ में न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना। उसी के साथ में आज मैं आपको बताना चाहूंगा मेनश्योर के एनर्जाइजर के बारे में। एनर्जाइजर है मेनश्योर का, जो आपकी बॉडी में एनर्जी भर देता है। जो लोग बहुत ज्यादा कमजोरी फील करते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप लोगों को केसर मिल जाता है, सफेद म्यूसली मिल जाती है, अश्वगंधा मिल जाता है, लौंग मिल जाता है, मतलब जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, उन सभी चीजों को ब्लेंड आप लोगों को में मिल जाता है। ये आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ये आपके लिबिडो को इंप्रूव करता है। जिसका भी लिबिडो लो होता है, उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन सभी चीजों को सही करने नेचुरल प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात कि ये GMP एंड ISO सर्टिफाइड है, उसके साथ में डायरेक्टरी ऑफ आयुष द्वारा भी अप्रूव्ड है। तो ये पूरी तरह से आप लोगों के लिए सेफ है। बस एक बात का ध्यान रखना
कि ये अडल्ट मेल के लिए है, तो अगर आप लोग अडल्ट मेल हैं तभी आप लोग इसका इस्तेमाल करना, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है लिबिडो से रिलेटेड, सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सही करने में ये मदद करेगा। मैं आप लोगों को मेन श्योर के एनर्जाइजर के बाद में हम अपने नेक्स्ट पुलअप के वेरिएशन की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं एल हैंग चिन अप। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से अपने शरीर से एल का शेप बना के और चिन अप इस तरीके से लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों की बैक मसल स्ट्रेन होती है, आप लोगों का बाइसेप मसल स्ट्रेन होता है, और उसी के साथ में आप लोगों का एब्स मसल्स भी ट्रेन होता है। ये थोड़ा सा एडवांस पुलअप है, तो जो लोग बहुत दिन से पुलअप लगा रहे हैं, 20-25 पुलअप लगा लेते हैं, तो वो लोग एल हैंग के 5-10 पुलअप आराम से लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके का पुलअप लगाते हो तो आपकी एब्स मसल्स, बैक मसल्स, बाइसेप मसल्स, मतलब एक साथ 3 मसल्स को ट्रेन करेगा, जो आपकी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, आपकी बॉडी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पुलअप है। जितने भी पुलअप वेरिएशन आपको बताए सभी को करने के साथ में अपनी डाइट का आप लोग सभी लोग ध्यान रखो, प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में ज्यादा रखो। जितना प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखोगे उतना ही ज्यादा मसल्स ग्रोथ आपकी प्रमोट होगी। जो मसल्स आप लोग पुलअप करते वक्त ब्रेक करते हो उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में जाना जरूरी है, इसलिए अपनी डाइट का भी ध्यान रखो, तभी आपकी बॉडी सही से बन पाएगी।